हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे चटपटे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे महीनों स्टोर करके रख करके खा सकते हैं। और अगर आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो भी आप इस नाश्ते को बैग में अगर 10-12 दिन बांध करके रखेंगे तो भी यह नाश्ता ख़राब होने वाला नहीं है। और यह नाश्ता सिर्फ गेहूँ के आटे और थोड़े से मसाले से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसकी पूरी रेसिपी, आज हमने यह नाश्ता किस तरीके से बनाया है। नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप मात्रा बढ़ाकर लेना चाहें तो इसकी मात्रा आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। यह नाश्ता आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, जो भी आपको हेल्दी लगे। गेहूं का आटा या फिर आप मैदा जो भी लेना चाहें उससे आप बना सकते हैं। सिर्फ आप इसे गेहूं के आटे से बनाइए, मैदे से बनाइए, या फिर आप गेहूं और मैदा दोनों आधा आधा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में आधा कप हमने मैदा ले लिया है। मैदा डालने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, बहुत ही कम मात्रा रखेंगे नमक की। और हमने जितना नमक लिया है उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हमने पिसा हुआ चीनी लिया है। नमक से थोड़ा सा ज़्यादा हमें चीनी लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। 2 चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे मोवन के लिए 4 बड़े चम्मच घी। तो इसमें हमें रिफाइन तेल या फिर घी का ही इस्तेमाल करना है, सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यह नाश्ता हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए हम इसमें घी डाल रहे हैं, इसमें सरसों के तेल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर रिफाइन तेल लीजिए या फिर आप घी डालिए। घी डालने के बाद आटे को हम इस तरह से मिक्स करके देख लेते हैं। इसके जब बढ़िया से लड्डू जैसे बनने लगते हैं तो इसमें मात्रा सही रहती है मोवन की। अगर इसमें लड्डू नहीं बन रहे हैं इस तरह से तो इसमें आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं घी या फिर रिफाइन तेल। लड्डू बढ़िया से बन रहे हैं, तेल मिक्स हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंथ लेते हैं। यह आटा हमें थोड़ा सा टाइट गूंथना है, बिल्कुल मुलायम नहीं करना है। इस तरह से टाइट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा जितना बढ़िया से टाइट होता है उतना ही नाश्ता अच्छा बनता है। तो आटे को हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आटे को ढक कर रख देते हैं और हम इधर मसाला तैयार कर लेते हैं नाश्ते के लिए। 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे, 10 से 12 काली मिर्च लेंगे, 1 चम्मच हम धनिया लेंगे। तो हमें धनिया, सौंफ, जीरे की मात्रा बराबर रखनी है। 2 लाल मिर्च लेंगे, तीखा आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इन मसालों को मध्यम आंच पर थोड़ी देर भून लेते हैं, जब तक मसाले थोड़ा सा चटकने नहीं लगते हैं। भुना हुआ मसाला नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। सूखे मसाले बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, इनमें बढ़िया सी खुशबू आ गई है और मसाले चटकने भी लगे हैं। अब हम आंच को बंद कर देते हैं और इनको ठंडा कर लेते हैं। हमको गरम मसाले नहीं पीसना है, थोड़ा सा ठंडे करेंगे उसके बाद हम इनको पीसेंगे। यहाँ मसाले हमें थोड़े से दरदरे रखने हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह इन्हें हमें बारीक नहीं पीसना है। पीसने से पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ चना। चना आपको ज़रूर डालना है इसमें, लेकिन मसाले की मात्रा ज़्यादा रखनी है और चने की मात्रा कम रखनी है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें मूंग दाल की नमकीन, यह सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है और यह पहले से भुना हुआ होता है, तो चना और मूंग को हमको भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 चम्मच हम इसमें ऐसे ही डालेंगे मसाले के साथ में, और इन दोनों की मात्रा हमको मसाले से कम रखनी है ताकि इसमें नमकीन का टेस्ट ना आए, मसाले का टेस्ट ज़्यादा आए। इसलिए हम इनकी मात्रा कम रखेंगे और मसाले की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। सभी चीज़ों को डालने के बाद इस तरह से दरदरा पाउडर हमको बनाकर तैयार करना है। यह मसाला हमें आटे की तरह बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। दरदरा मसाला खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इस तरह से हम पाउडर जैसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। मसाला तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसको आटे में भरने से पहले और इसमें थोड़ी सी चीज़ें मिलाएंगे। 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच साबुत धनिया लिया है। इसको हम डालेंगे गरम तेल में ताकि यह मसाले कच्चे हैं तो थोड़ा सा फ्राई हो जाएं। हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसको खूब अच्छे से गरम किया है। इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। मसाले जलने ना पाएं इसलिए हमने इसको आँच पर नहीं रखा है, नीचे उतार लिया है। अब यह पिसा हुआ मसाला भी इसमें डाल देते हैं
और इसको हम चम्मच से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे मसाले में तेल मिक्स हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा मसाला हमको गीला करना है तो हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, इसीलिए एक चम्मच तेल मिलाया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हमने इन आटे में भी नमक का इस्तेमाल किया है तो इस बार नमक की मात्रा कम ही रखेंगे, और एक चम्मच डालेंगे इसमें फ्रूट चाट मसाला, यह हमको ज़रूर डालना है मसाले में। फ्रूट चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चम्मच इसमें डालेंगे पिसा हुआ आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर भी हमको इसमें ज़रूर डालना है। अब हम इन चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। यह मसाला मिक्स करते समय अगर ज़्यादा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा तेल आप इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन तेल की मात्रा हमको इसमें कम ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि नाश्ते के अंदर तेल ही तेल नज़र आए, तो थोड़ा सा तेल डालने के बाद इस तरह से मसाले को बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर लेना है। ना ही ज़्यादा सूखा रहेगा और ना ही गीला रहेगा। पानी का इस्तेमाल तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से मसाला भरने के लिए हमको तैयार करना है। मसाला भरने के लिए तैयार हो गया है तो अब हम आटे को भी इस तरह से चेक कर लेते हैं। आटे की अब हम बनाएंगे छोटी छोटी सी लोइयां, तो जितना बड़ा साइज आपको रखना है नाश्ते का उस हिसाब से आप छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर रख लीजिए। इस नाश्ते को हमें बिल्कुल कचौड़ियों की तरह भरकर तैयार करना है, तो इस तरह से हम पहले गोल करेंगे, उसके बाद हथेली से इस तरह से कटोरी की तरह बना लेंगे और थोड़ा सा मसाला हम इसमें रखेंगे। ज़्यादा नहीं रखनी है, मात्रा थोड़ी कम ही रखनी है। आटा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है तो इसका मुँह सही से चिपक जाए, उसके लिए हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। पानी लगाने से यह बहुत अच्छे से चिपक कर बंद हो जाता है। जब हम इनको तेल में फ्राई करते हैं तो यह फूलती हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से इनका मुँह खुल सकता है, तो इनमें तेल भर सकता है या फिर मसाला बाहर आ सकता है, इसलिए हम इनको बहुत अच्छे से पानी लगा कर चिपका करके बंद करेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी वाली भी भर कर तैयार कर लेते हैं। इनको भरने में कोई भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से यह बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप पहले भी पानी लगा सकते हैं और इस तरह से बंद करके तैयार कर सकते हैं। इनको हम इस तरह से सारी बना करके तैयार कर लेंगे। हमने सारी भर करके तैयार कर ली हैं, अभी यह थोड़ी सी मोटी हैं, तो हम इस तरह से एक कप लेंगे और इस तरह से इनको हम दबा करके थोड़ा सा फैला करके पतला कर लेते हैं। आप इन्हें बेल कर भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से पूड़ियाँ बनती हैं, लेकिन पूड़ियों वाला सेब थोड़ा सा देखने में कम अच्छा लगता है। कचौड़ी सेब देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है और खाने में थोड़ा खस्ता करारा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सभी को हम इस तरह से दबा करके थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इस तरह से यह बिल्कुल एक ही सेप में बनती हैं, यह छोटी बड़ी नहीं होती हैं साइज में। हमने सारे नाश्ते को भरकर तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल को चढ़ा दिया है आंच पर, तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। जितनी एक बार में आएंगी उतनी ही हमको इसमें डालनी है। कचौड़ियों को जब हम तेल में डालते हैं तो आंच को तेज रखेंगे, लेकिन जब कचौड़ियाँ थोड़ा सा फूलने लगती हैं और हम इनको पलट कर दूसरी साइड फ्राई करते हैं तब आंच को मध्यम कर लेंगे। मध्यम आंच पर हम इनको एक मिनट इस तरह से तेल में उलट पलट कर फ्राई करेंगे, तभी हमारी कचौड़ियाँ खस्ता कुरकुरी बढ़िया करारी बनती हैं। आंच को मध्यम करेंगे और इस तरह से इनको हम कुरकुरा गोल्डन होने तक तेल में फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को लंबे समय के लिए हम इसीलिए स्टोर करके रख पाते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसमें सभी मसाले हैं और जो हमने चना और दाल इस्तेमाल किया है वह भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, महीनों तक टिक सकता है। अगर हम इसमें कच्ची दालों का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। यह नाश्ता इसीलिए महीनों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जल्दी ख़राब हो जाए। हमने कचौड़ियों को बढ़िया से फ्राई कर लिया है और इनको हम निकाल लेते हैं और जो बची हुई कचौड़ियाँ थी उनको हम फिर से तेल में डाल देते हैं ताकि यह भी फ्राई हो जाएं। चाय के साथ में यह गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सफ़र में कहीं बाहर जाते हैं तो आप चाय के साथ में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं तो अक्सर हमको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन जब हम साथ में यह ले जाएंगे टेस्टी मसालेदार नाश्ता तो चाय के साथ में आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। यह अभी थोड़ा सा गर्म है, फिर भी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता करारा बनता है, जब यह ठंडा हो जाता है तो और भी करारा खस्ता बनता है और बहुत ही लाजवाब खाने में लगता है।
इसके अंदर जो यह मसाले होते हैं बिल्कुल अमेजिंग लाजवाब टेस्ट होता है। आप एक बार इन्हें ट्राई करेंगे तो आप बार बार यही नाश्ता बनाकर खाएंगे, बाकी जो समोसा कचौड़ियाँ हैं सभी भूल जाएंगे इसके आगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे लाजवाब नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? एक बार बनाइए, महीनों खाइए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी लाजवाब रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।